नमस्कार जी, मैं हरीश कुमार एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी कॉलेज बहादुरपुर में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन के बेनिफिट और स्पोर्ट्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और बी ए फाइनल में। फिजिकल एजुकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, इवन प्लस स्पोर्ट्स की भी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंस है। पिछले टाइम में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन ये धारणा बिल्कुल चेंज हो गई है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। पढ़ने लिखने से तो आप नवाब बनोगे लेकिन खेलने कूदने से भी नवाब बनोगे। लाइक साइना नेहवाल, हेमा दास, हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब के एग्जांपल है, सुशील कुमार, विजेंद्र सिंह, ठीक है। हमारे कॉलेज की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे माइनर गेम आते हैं, जैसे रस्सा कस्सी होगी, स्टेपू हो गया। इसके अलावा जो हमारे मेजर स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक के इवेंट में हमारे बच्चों की काफ़ी अच्छी भागीदारी रही है। इवन कबड्डी की 4 लड़कियाँ हमारी इंटरनेशनल खेल के आई है, वो मलेशिया गई थी, इंटर कॉलेज में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। पिछले 2-3 सालों में यूनिवर्सिटी कॉलेज बहादुरपुर ने एक बड़ा नाम बना लिया है स्पोर्ट्स और एजुकेशन के अंदर। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ आसपास के एरिया के, कि इस बार का जो नया सेशन चल रहा है आप आएँ, विजिट करें और एडमिशन लें। जो भी बच्चा कोई भी गेम, जिमें बैडमिंटन, जूडो, कबड्डी, कराटे, एथलैटिक्स, जो भी इन्हों गेमों में भाग लेना चाहता है या करना चाहता है, वह एक कॉलेज जरूर एडमिशन करा।